आज कल्टस में से ना थोड़ी सी आवाज आ रही थी खड़खड़ खड़खड़, तो मैंने क्या किया, सेंटर कंसोल था ना आफ्टर मार्केट, ये कल ही निकाला है। ये आफ्टर मार्केट है ना तो ये हिलता ही रहता है, तो क्योंकि पेच लगाया तो ये जब गाड़ी चलती है ना ऑब्वियसली खड्डों शड्डों में ढीला हो जाता है और फिर जो है हिलने लग जाता है। दोबारा लगाता हूँ तो उसको ना अभी मैं थोड़ा सा टाइट करके लगाता हूँ, फिर देखते हैं क्या आवाज आती है। हाँ जनाब, कंसोल ये बहुत सारे पार्ट्स में बना हुआ है, निकालना कोई इतना मुश्किल नहीं था, आसान सा है, मैं आपको स्टेप भी बता दूंगा। खत्म, बाय बाय, गया। अंधेरा तो है बहुत सारा। अच्छा अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या सीन है। सबसे पहले ना नीचे यही लगता है, यहाँ पे ये जो दो है ना ये क्लिप से, ये बड़े इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर इन्होंने सुराख किए थे और इसके ऊपर ये लगेगा, पहले ये लगाते हैं क्योंकि ये ढीला हो जाता है ना, ये जो पेच है ना वो टाइट कर लेना। यार बहुत कोशिश की और नहीं निकला, पसीने आप लोग देख सकते हैं, गर्मी है बहुत सख्त, और असल में जो है सिर्फ जो सुराख हुए हैं ना और ये अब ये अलाइन नहीं होते, यहाँ पे ये जो पेच है ना ये अलाइन नहीं हो रहा, बहुत फ्लिमजी से है। यार किसी ने लगवाना है तो ठीक है, मतलब एक तरह से यहाँ पे यूं करके आम आप रख सकते हैं, दिनों बाद हफ्ते बाद ना ये थोड़े से ना ये इसकी वजह से ढीले हो रहे हैं। खोलना आसान था, लगाना मुश्किल है। चले जी, एक काम तो नहीं हुआ जो मैं करने लगा था। अब हो रही है गर्मियाँ, ठीक है, गर्मी में चलता है एसी। अच्छा, सबसे ज्यादा जो एक चीज कंज्यूम हो रही होती है ना वो आपकी बैटरी है, ड्राई बैटरी है तो उसपे तो इतना कोई मसला नहीं है, पानी वाली बैटरी है ना इसमें वो डली हुई है, उसका पानी चेक करना लाजमी होता है क्योंकि एसी बहुत होता है और वो ड्राई हो जाती है। पानी डालते, तो पानी इसके ऊपर आया हुआ, वैसे पानी है सही, अंदर पानी अंदर मौजूद है, इसमें इसमें भी पानी मौजूद है, पानी पूरा है गाड़ी में क्योंकि अभी मैंने सर्विस करवाई थी, आपको पता ही है ये 9000 रुपये मैंने सर्विस से करवाई थी। अच्छा ये वाली बैटरी है ना तो पानी आप लोग जरूर चेक किया करें, ड्राई बैटरी तो कोई तो इशू नहीं है। यहाँ पे वॉशर में भी पानी डालते हैं क्योंकि ये हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, इंजन ऑयल चेक कर लेते हैं क्योंकि अभी चेंज करवाया तो टेंशन नहीं है, फुल भी है और साफ भी है पूरा जनाब, ब्रेक ऑयल, बाकी हमारा ये पानी ये भी फुल है, ठीक है यहाँ तक होना चाहिए, तो यहाँ तक फिल नहीं करना है इसको, और ये पानी नहीं डालना है इसमें, कूलेंट डालना है, पानी डाल भी दिए तो इतने इशू नहीं है लेकिन कोशिश करेंगे ये कूलेंट ही डाल। कोई टेंशन नहीं यार, इतना नहीं फर्क पड़ता। कल्टस में आप लोगों को पता है शुरू में जब मैंने ब्रांड न्यू ली थी ना, जो पिछली शॉपों में से ना आवाजें आ रही थी, फिर मैं सुजुकी के पास गया था, ग्रीसिंग कर दी थी, मतलब WD-40 लगा दिया था, वॉश करवाई थी मतलब नीचे से, तो नीचे तेल लगवाया था, उसके बाद से आवाज आज तक नहीं आई, ठीक है अभी तक नहीं आई, ठीक नीचे से ऑयलिंग करवा लें तो ज़्यादा हद तक जो है ना आवाज़ होनी, ये इनका कंपनी एक इशू है, मतलब कल्टस का नोन फॉल्ट कह लें। इसके अंदर से खड़खड़ की जो आवाज़ें होती हैं आती हैं, वैसे नहीं आती जैसे अभी मैंने बताया था कि आफ्टर मार्केट कंसोल लगाया हुआ था उसकी है, ये पड़ा हुआ है, ये जो है ना स्टेयरिंग लॉक, ये लगाते लगाते ना यहाँ पे निशान पड़ गए, खुल के ऐसे लगता है तो जो है ना ये सारा जो यहाँ पे निशान पड़ जाता है। बाकी यहाँ पे सुजुकी वालों का एक ट्रेडमार्क है, इंटीरियर की क्वालिटी ना उसमें स्क्रैचेस बहुत जल्दी आराम से आते हैं, तो ये जो है ना ये कुछ की लग गई, हाँ वाले तो मैंने शुरू में ही दिखाया था, ये ब्रांड न्यू गाड़ी है इसके ऊपर स्क्रैचेस देखें, तो जब से मैंने लिए तो शायद ही एक बार कोई साफ़ किया हो, मतलब वैसे तो वैक्यूम क्लीनर से तो वैसे मैंने साफ़ करता, वैसे कोई पॉलिश वगैरह कुछ इस तरह से नहीं मारे, वो पॉलिश वगैरह जो है ना ज़्यादा यूज़ में ना तो ये जो इसका दाना है ना वो ख़त्म कर देती है, ये छोटे छोटे जो स्क्रैचेस हैं इंटीरियर के ये कोई इतने मानी नहीं रखते, खुद ही साफ़ हो जाते हैं, मतलब थोड़े से रगड़ाई मांगते हैं उसके बाद ये नज़र भी नहीं आने, पानी ख़त्म पड़े, पानी भी भर लेते हैं गर्मियों में ना, काफी लोगों की कंप्लेन होती है कि एसी उस तरह से काम नहीं कर रहा। अब मैं जैसे अपने कल्टस में बैठा हूँ, इसका एसी अच्छा है ठीक है, लेकिन अगर सेटिंग प्रॉपर नहीं है ना तो फिर ऑब्वियसली जो है कूलिंग नहीं सही। एक चीज का ख्याल रखना है, जो नॉब है ना इसको हम आपने एक्सट्रीम लेफ्ट पे रखना है, मतलब इनर सर्कुलेशन पे रखना है, ना कि आउटर एयर का रखना है, तो साइन बना हुआ ना इस पे रखना है, जो भी गाड़ी है ना इसके ऊपर रखना है, दरमियान में कहीं उन्हें रखा होता है इधर रखा होता है, अगर ये रखेंगे ना दरमियान में ये तो इसकी जो कूलिंग है ना एसी की वो बहुत ही कम होगी। मैं कहूँगा यार एसी पता नहीं क्यों नहीं काम कर रहा, क्या वजह है, परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं आ रही, सो इस चीज़ का आप लोग बहुत ख्याल रखें कि जो है ना एसी की कूलिंग आपकी ना यहाँ से बहुत मुतासर होगी अगर ये आप लोगों का प्रॉपर जगह पर मौजूद नहीं है।
इस्लाम आबाद में ना पानी के मसाइल बहुत ज्यादा हो गए, बोरिंग हुई हुई है तब भी आता है, मतलब अगर वैसे जो लाइन वाला पानी है ना सुबह 4-5 बजे आता है और एक घंटे के लिए अगर किसी ने जो वो भर लिया तो भर लिया, वरना सीन जो है यहाँ पे बैठो तो पानी पीने वाला खासकर जो है जिन लोगों ने बोरिंग करवाई हुई है थ्रू भरते हैं और अल्लाह उनको जर नसीब करे। एक जो चीज है यहाँ पे अभी मैं कल्टस पे आप लोग दिखा था जो पानी डाल रहा था ना, अभी स्क्रीन आप लोग देख सकते हैं कि ना अच्छी खासी मैली, पता नहीं आप लोगों को यहाँ पे सही करके पता लग रहा है कि नहीं पता लग रहा है, अच्छी खासी जो है ना मैली है। अब मैं इसको चलाता हूँ वाइपर्स को, ठीक है आए हैं तो ये जो पानी है ना आप इसने बिल्कुल क्लियर साफ सुथरी जो है ना स्क्रीन करती है। मैं निकला हूँ ना ठीक है, अब एसी इतनी चिल कूलिंग आ रहा है ना लिटरली, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता, तो बाहर शदीद गर्मी, मैं अभी आप बताया था ना कि पसीने मेरे किस तरह से निकल रहे थे, तो लास्ट वीडियो में एक डाली पेट्रोल वाली ना, मैं आप लोगों को मजे की चीज बताऊं कि यार हमारी कौम किस तरफ जा रही है। मैंने 150 का जो पेट्रोल था तो ऑब्वियसली 180 का हुआ तो मैंने पेट्रोल डलवाया और मैं वही दिखा रहा था कि यार मैंने 180 का डलवाया और जिस दिन मैंने वीडियो डाली तो उस दिन 209 का हो गया पेट्रोल, सही है। तो मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगाई कि देखें मैंने शुक्र है भाई पहले डलवा लिया, मतलब एक दिन पहले की बात थी, एक दिन पहले मैंने डलवाया तो मुझे तकरीबन 1200 रुपये का वो फायदा इस तरह से हुआ कि अगर 210 का होता तो 1200 रुपये ऊपर लग जाता, तो एक दिन पहले वो किस्मत मेरी अच्छी थी कि मैंने डलवा ली, हालांकि अंदाजा नहीं था, हालांकि मैं उसमें वीडियो में बताया था कि मैं अभी 150 पे डलवाना चाहिए था लेकिन 180 पे डलवा रहा हूँ, देखें किस्मत मेरी, लेकिन किस्मत अच्छी थी। रिएक्शन लोगों का यार ऐसे ऐसे रिएक्शन की बहुत बचत आपने कर ली है जी, आप बैरियर टाउन में आप घर ले लेंगे इससे, आप पता नहीं क्या कर लेंगे, और सीरियसली मैन मतलब वो आप लोगों को मान ही नहीं रखते, मतलब जो हलाल की कमाई हो ना उसमें 100 रुपये भी बहुत होता है, ठीक है वो 100 रुपये भी मेरे बचत है ना तो वो मैं बचाऊंगा और मेरे लिए वो बहुत अजीज होगा, ठीक है यहाँ में तो मेरे अच्छे खासे पैसे बच गए, ठीक है। और मेरी ये नीयत भी नहीं थी कि मैं 11 बजे पहुंचा खड़ा हूँ लाइन में और 12 बजे बढ़ गए तो मैंने बचा लिया, मैं पहले एक दिन पहले गया और मैंने जो है वो भरवा लिया, मेरी किस्मत थी, ठीक है। लेकिन यार सीरियसली मैं तो हैरान रह गया कि यार कैसे लोग हैं भाई, बर्दाश्त नहीं हो रहा कि इन्हें कर लिया तो अब इससे ये शो कर रहे हैं कि मैंने बड़े पैसे बचा लिए, भाई पैसे 100 रुपये भी बचा 50 रुपये भी बचा लूंगा ना तो मुझे बड़ी दिल खुशी होगी क्योंकि मैंने बड़ी मुश्किल से कमाए हैं, ठीक है और हर कोई कमाता है इसी तरह। सो उस चीज़ में फिर जो है ना लोग, खैर ये मेरे अपने दिल की बात थी क्योंकि मैं नोट किया, मैंने कहा यार किस तरफ जा रही है हमारी कौम, अरे कहना क्या चाहते हो, ये जो मेरी कल्टस है ना इस पे जो है ना टिंटिंग जो है ना वो मैंने इतनी नहीं करवाई, जो पिछली वाली है ना वो है 25% और बाकी जो है ना फ्रंट पे बिल्कुल नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई, तो इस वजह से ना ये जरा ऑब्वियसली गर्मी ज्यादा धूप पड़ रही होती है ना तो ये कैंसल आउट हो जाती है जो इसकी जो ठंड है ना, को मैं टेंट करवाता दिल कर रहा है कि करवा लूँ 50-50 साइडों पे करवा लूँ तो एक तो लुक भी अच्छी निकला कि आ जाएगी, गर्मी से थोड़ा सा बच जाएंगे, ऑब्वियसली लीगल नहीं है लेकिन जब फड़े जाएंगे तो सब फड़े जाएंगे वही बात है। मैंने ये कंसोल निकाला है ना तो अब मैं खड्डों से जब गुजर रहा हूँ तो उस तरह से खड़खड़ की आवाज़ नहीं आ रही, जब ये जो है ना कैट आई से गुजारूंगा अब ये जो आवाज़ है ना ये तो मतलब ये आती आती है इस तरह की चीज़ों की, लेकिन जो असल मैं देख रहा था ना खड़क 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 वो जो आवाज़ है ना वो ख़त्म होगी, वो नहीं आ रही, ये तो आवाज़ ये तो इसके अपने टायरों की है ना। तो पानी अब भरने आ चुका हूँ मैं, पानी भरता हूँ मेरी फेवरेट जीप, वाह बहुत फेवरेट है मेरी गाड़ी, और अच्छा मैं लेने आया हूँ तरबूज, गर्मी का तोड़ ठंडा ठंडा हम तरबूज खाएंगे, तरबूज वाला बैठा है वो लेते हैं, हाय 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 क्या जंप है, बहुत तो कर दिए 40 रुपए किलो, अच्छा एक अच्छा सा निकालो, एक निकालो बड़ा है कोई अच्छा सा, दो कर दूं, दो कर दूं, एक ही कर दूं, 200 रुपए का, 206 बड़े अच्छा है, तरबूज लिए बड़ा ही लाल है जड़ा पन्नो लाल है वो वाला और गर्मी का तोड़, अच्छा 40 का लगाए हुए हालांकि 30 का हुआ है, अब फिर दोबारा से 40 पे ले गए।
मेरे भाई हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो पूछ रहे थे कि आप क्वेश्चन एंड आंसर की एक वीडियो करें, ठीक है, क्यू एंड ए की। नेक्स्ट वीडियो जो है वो क्यू एंड ए की जाए, और अगर आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, जो दो तीन दिन के अंदर ही आएगी इंशाल्लाह, तो उसमें मैं आप लोगों के जो क्वेश्चन होंगे इस वीडियो के नीचे कर दें, एक मैं पोस्ट बना दूंगा उस वीडियो के नीचे कर दें, मैं उसका आंसर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। वीडियो को एंड करने से पहले आप लोगों को बताऊंगा कि लास्ट वीडियो में आई थी होंडा सिविक ईके 2000 पे मॉडिफाइड गाड़ी थी, तो उसकी डिटेल्स बताई थी कि ये कैसे कैसे मॉडिफाइड है। सो अगर आप लोगों के पास कोई मॉडिफाइड गाड़ी है या ऐसी गाड़ी है जो आप चाहते हैं कि यूट्यूब पे आनी चाहिए, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करेंगे इंस्टाग्राम पे, तो मैं इंशाल्लाह आपसे रब्ते बनाऊंगा। इस्लामाबाद रावलपिंडी में अगर आप मौजूद हैं तो उसकी वीडियो हम लोग इंशाल्लाह बनाएंगे। और लास्टली एक और चीज, मैं एक रेस कंडक्ट करवाना चाह रहा हूँ, होंडा सिटी 1.5 सीवीटी वर्सेस यारिस 1.5 सीवीटी। सो अगर किसी भाई के पास यारिस सीवीटी है 1.5 वेरिएंट में इस्लामाबाद रावलपिंडी में और रेस करना चाहते हैं, मुझे कॉन्टैक्ट करें इंस्टाग्राम पे, हम जो है रेस करवाएंगे अपनी सीवीटी 1.5 सीटी वर्सेस यारिस 1.5 सीवीटी। अगर रेस में इंटरेस्टेड है तो मुझे कॉन्टैक्ट कर लें, इंशाल्लाह हम इस्लामाबाद में इसकी एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे। सो गाइस ये थी आज की वीडियो, आई होप सो आप लोगों को पसंद आएगी, वीडियो को लाइक करते, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।